Hello friends, this is Rajkumar Yadav and we are going to see today the history chapter, print culture and the modern world. So let us start from here. It is difficult for us to imagine a world without printed matter. हमारे लिए बहुत difficult होगा imagine करना कि कहीं पे भी printed matter ना मिले तो और हम इसका सबूत कहाँ पे देखते हैं? हम print का सबूत हर तरफ देखते हैं, books के अंदर, journals के अंदर, newspapers हैं, print है, famous paintings की जो copy होती है वो और हमारी everyday life में जैसे कि theatre programs होते हैं, ऑफिशियल सर्कुलर्स होते हैं, कैलेंडर, डायरी, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा पोस्टर्स जो सड़क के किनारे लगे होते हैं कहीं पे, तो इन सब जगहों पे हम प्रिंटेड मैटर देखते हैं, हम प्रिंटेड लिटरेचर पढ़ते हैं, इमेजेस देखते हैं और न्यूज़ को भी फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर्स के ज़रिए और पब्लिक डिबेट्स को भी देखते हैं प्रिंट में जो भी कुछ आता है। लेकिन हम इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इस दुनिया को, प्रिंट की दुनिया को, और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि एक टाइम था जब प्रिंट नहीं था। We may not realize that print itself has a history. हम शायद realize ना करें कि print की खुद की एक history होगी जिसने सच में जिसने हमारे आज की दुनिया को बनाया है, shape किया है, तो उसकी history क्या है और ये printed literature कब start हुआ circulate होना आम public में और किस तरह से इसने आज का modern world बनाया, तो यही सब हम देखेंगे इस lecture में, actually इस chapter में। In this chapter, we will look at the development of print from its beginning in East India to its expansion in Europe and in India. तो इस chapter में हम लोग देखेंगे कि print का development कहाँ से हुआ। इसकी starting East Asia से हुई और ये बढ़ता हुआ Europe और फिर बाद में India की तरफ आया। We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and cultures changed with the coming of print. हम लोग ये भी देखेंगे कैसे 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 जब technology बढ़ी तो उसका impact क्या पड़ा और कैसे सोशल लाइफ और कल्चर्स धीमे धीमे चेंज हुए प्रिंट के आने से। यस, नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। तो सबसे पहले ये प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी। और यहाँ पे किस तरह का सिस्टम था प्रिंट करने का? दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, हाथों से प्रिंटिंग होती थी। फ्रॉम एडी 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there, against the ink surface of wood blocks. तो 594 AD से चाइना के अंदर बुक्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गई थी। कैसे? बाय रबिंग पेपर, मतलब पेपर रबिंग के जरिए, जो वो पेपर वहीं पे इन्वेंट हुआ था, ना कि बाकी सारी जगह पे, जैसे बाकी सारी जगह पे वुड ब्लॉक्स यूज होते थे, इंक सरफेस वाले वुड ब्लॉक्स। As both sides of the thin, porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. अब देखो, दोनों तरफ से, दोनों तरफ की साइड्स को प्रिंट होना मुश्किल था क्योंकि वो शीट कैसी थी? पोरस थी। पोरस मतलब कि अगर एक तरफ प्रिंट होगा तो उसकी इंक दूसरी तरफ भी फैल जाती, इसीलिए जो चाइनीज बुक थी, चाइनीज अकॉर्डियन बुक, उसको फोल्ड किया जाता और फोल्ड करके उसको सील दिया जाता एक साइड से। Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy and the beauty of calligraphy. ठीक है, तो जितने भी बहुत ही जबरदस्त skilled craftsmen होते थे, कारीगर, वो लोग इस तरह की बुक का duplicate copy बनाते, काफ़ी remarkable accuracy होती उनकी copy करने में और ये लोग writing के लिए बहुत ही beautiful handwriting use करते थे जिसको बोलते हैं calligraphy. Calligraphy एक तरह की art होती है, एक तरह का आर्ट होता है जिसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग, इसको कैलीग्राफी बोलते हैं। द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो चाइना के अंदर जो इंपीरियल स्टेट था वहां का, मतलब वहां का जो राजाशाही स्टेट था, वही काफी लंबे समय के लिए प्रिंटेड मटेरियल को प्रोड्यूस करता था। चाइना पजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। अब चाइना के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसका पूरा बड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, मतलब कि ये हो सकता है कि जैसे राजा के नीचे या फिर किसी बड़े मिनिस्टर के नीचे काम करने वाले उसके मेन मेन लोग जो पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं और सरकार की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, तो उनके पास एक बहुत ह्यूज नेटवर्क था बड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का, जिसके अंदर वो लोग अगर लोगों को लेते तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करवा के फिर लेते थे। टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट।
अब इस एग्जामिनेशन के लिए जो टेक्स्ट बुक चाहिए थी उसको प्रिंट होना था किसके गाइडेंस में और किसके स्पॉन्सरशिप में, वहाँ के जो इम्पीरियल स्टेट थे मतलब वहाँ की जो सरकार थी या फिर वहाँ के जो राजा थे उनके अंडर। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। अब 16th सेंचुरी के बाद बहुत सारे लोग इसमें एग्जामिनेशन देने आने लगे, इसीलिए जो प्रिंट प्रिंटेड मटेरियल था वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए था फिर। तो 17th सेंचुरी से क्या हुआ, 17th सेंचुरी से जैसे जैसे चाइना के अंदर अर्बन कल्चर डेवलप हुआ तो प्रिंट भी डाइवर्सिफाई हो गया। प्रिंट डाइवर्सिफाई होना मतलब क्या होता है, प्रिंट सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता, जैसे पहले प्रिंट होता था सिर्फ बुक्स के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए, अब प्रिंट होता होगा अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है, प्रोग्राम्स हो गए, ड्राइंग हो गई, कुछ भी। सो प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। अब खाली स्कॉलर ऑफिशियल्स यूज नहीं करते थे, मर्चेंट्स भी यूज करते थे प्रिंट उनके एवरीडे लाइफ में, क्योंकि वो लोग ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। और रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। अब रीडिंग मतलब पढ़ना, किसी भी तरह की नॉवेल या फिर कोई प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना एक लेजर एक्टिविटी बन गया था, लोग अपने फ्री टाइम पे ये सब पढ़ना चाहते थे। द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेज। अभी जो नई रीडरशिप थी मतलब क्या लोग रीड करते थे, फिक्शनल नैरेटिव्स, कोई भी फिक्शनल स्टोरी होती है डायलॉग के फॉर्म में वो, पोएट्री, लोगों की ऑटोबायोग्राफी और लिटरेरी मास्टरपीस जो भी होते हैं ना, जो भी कुछ लिखा गया है मास्टरपीस उसकी एंथोलॉजीज और रोमांटिक प्लेज। तो चलिए देखते हैं ये एंथोलॉजीज का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है ना एंथोलॉजीज उसका मतलब क्या है। तो एंथोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी प्रिंटेड कलेक्शन हो, पीसेस ऑफ पोएम या फिर सॉन्ग्स इन सब का, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एंथोलॉजी। तो इस तरह की कलेक्शन होने लगी थी हर तरफ रोमांटिक प्लेस के बारे में। अब रिच वुमन जो थी वो भी अपना वो भी पढ़ने स्टार्ट कर दी, और बहुत सारी वुमन ने तो अपनी खुद की पोएट्री और प्लेस लिखना स्टार्ट कर दिया। और स्कॉलर ऑफिशियल्स की जो वाइफ थी उन्होंने अपने खुद के वर्क्स को पब्लिश किया, और कॉर्टिसंस ने अपने लाइफ के बारे में लिखा। अब ये जो नया सिस्टम था, ये जो नया कल्चर था रीडिंग का, इसके साथ साथ में एक नई टेक्नोलॉजी भी उभर के आई। देखिए, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। देखो, जैसे जैसे चाइना वेस्टर्न पावर्स ने चाइना में अपनी चौकियाँ मतलब आउटपोस्ट बनानी स्टार्ट कर दी, तो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेसेस को बाहर से इम्पोर्ट किया गया, और शंघाई बन गया इन सबका सेंटर। शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। तो वेस्टर्न स्टाइल के जो स्कूल्स थे वहाँ पे जो भी कुछ प्रिंटेड मटेरियल होता था वो यहीं शंघाई से प्रिंट होके आता था। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वॉज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। पहले हैंड प्रिंटिंग होता था, अब बाद में मैकेनिकल प्रिंटिंग होने लगा था। अब देखते हैं प्रिंट इन जापान 1.1। सो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड राइटिंग हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन टू जापान अराउंड 768 और 770 AD। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे चाइना से, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस किया था, और जो जापान की सबसे ओल्डेस्ट बुक थी उस वो प्रिंट हुई थी 868 में, और इस बुक का नाम है डायमंड सूत्र। ये बुद्धिस्ट बुक है, इसके अंदर 6 शीट्स होती हैं टेक्स्ट की, और वुड कट इलस्ट्रेशंस है उसके अंदर। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स। अभी जितने भी पिक्चर्स थे इसके ऊपर वो टेक्सटाइल के ऊपर प्रिंट हुए थे, और प्लेइंग कार्ड्स और पेपर मनी, यही है ना। मिडवेल जापान पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड एबंडेंट। तो मिडवेल जापान के अंदर क्या था उस टाइम पे, पोएट्स और प्रोज राइटर्स ने रेगुलरली अपना काम पब्लिश करना स्टार्ट किया, और बुक्स धीमे धीमे बढ़ती गई मात्रा में और चीप भी होती गई, सस्ती होती गई। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लरिशिंग अर्बन सेंटर्स एट इडो लेटर नोन टू बी एज टोक्यो illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans and tea house gatherings. तो जो प्रिंटिंग हो रहा था ना विजुअल मटेरियल का, इसके वजह से इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई, सब लोग ने अलग अलग तरीके से पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। लेट 18th सेंचुरी में जो जो टोक्यो, आज का जो टोक्यो है उसको बोलते थे इडो,
तो वो काफी फ्लरिश हो रहा था, काफी फलफूल रहा था। तो वहां पे पेंटिंग्स के काफी कलेक्शंस दिखाई दे रहे थे सबको, क्योंकि वहां का अर्बन कल्चर काफी डेवलप हो रहा था। वहां पे आर्टिस्ट, कोटिसंस, टी हाउस, गैदरिंग सब होने लगी थी। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स। और लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स में हर तरफ हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स आपको मिलने लगे थे सबको। कैसी कैसी टाइप की बुक्स थी, वुमन के ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, टी सेरेमनी के ऊपर, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग और फेमस प्लेसेस, इन सभी टॉपिक के ऊपर बुक्स मिलने लगी थी। अब यहाँ पे जो बॉक्स वन है उसके अंदर किटा गावा उटामारो, इनका जन्म हुआ था टोक्यो में उस टाइम का, ईडो 1753 में। ये काफी फेमस है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। आर्ट फ्रॉम कॉल्ड उक्यो, इनका एक आर्ट फॉर्म था एक तरीके से, जिसका नाम था ओक्यो, मतलब पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। इसके बारे में आप बाद में देख सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक पिक्चर है जो कि अ मॉर्निंग सीन, ओक्यो प्रिंट बाय शुनमैन क्यूबो, लेट 18th सेंचुरी। अ मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो एट द स्नोफॉल वाइल वुमन प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज। ये उस टाइम की बात है जब वुमन अपना काम सब कर रही है और बाकी मैन सिर्फ है वो बाहर बैठ के सिर्फ देख रहा है। इसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा प्रिंट कम्स टू यूरोप। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ।